क्या दृश्य है, राजगीर मलमास मेला गजब। बड़े बड़े टेंट यहाँ पर बनाए गए हैं दोस्तों, यहाँ पर 2x2 बेड की व्यवस्था की गई है। दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल भारत दर्शन ब्लॉग पर हमारी राजगीर मलमास मेला की अद्भुत शानदार यात्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी हम पटना से राजगीर आ चुके हैं, राजगीर रेलवे स्टेशन, और तकरीबन 5 वर्षों के बाद यहां पर राजगीर में मलमास मेला लग रहा है। वैसे 3 वर्षों पर मलमास मेला लगता है, जहाँ पर जितने भी देवी देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता राजगीर में प्रकट होते हैं, और यहाँ देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर ब्रह्मकुंड में स्नान करने के लिए आते हैं, पूजा करते हैं, सत्संग करते हैं, और अधिक मास में पूजा पाठ का जो फल है अनंत गुना होकर के मिलता है दोस्तों। और चूंकि 2 वर्ष कोरोना के कारण बीत गया, डिस्टर्ब हो गया, तो 5 वर्षों के बाद मलमास मेला लग रहा है। और ये मलमास मेला जो है राजकीय मेला हो चुका है, बिहार सरकार का बहुत बढ़िया व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, पंडाल बनाए गए हैं 6 से ज़्यादा जगहों पर, खाने की व्यवस्था है, बहुत ही बेहतरीन शानदार व्यवस्था इस बार बिहार सरकार की तरफ से की गई है। तो इस बार जो मेला आपको दिखाने वाले हैं, हालांकि आप मेला देख चुके होंगे, कई सारे वीडियो देख चुके होंगे, लेकिन हम जो दिखाने वाले हैं और वीडियो से बिल्कुल ही अलग होगा, बिल्कुल ही शानदार होगा, क्योंकि हमारा तरीका अलग होता है, हम हर चीज़ कवर करके दिखाते हैं, बिल्कुल यूनिक तरीके से करके दिखाते हैं। तो चलिए शानदार यात्रा राजगीर मलमास मेला की शुरू करते हैं। यहाँ पर पीने के पानी की सुविधा है, शुद्ध गंगा जल यहाँ पर आपको मिलेगा। और यहाँ पर पर्यटकों श्रद्धालुओं के रहने की व्यवस्था की गई है बिहार सरकार की तरफ से। बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं, बड़े बड़े टेंट यहाँ पर बनाए गए हैं, अभी अंदर चल करके आपको दिखाएंगे। ब्लॉक वाइज टेंट को डिवाइड किया गया है। और हर ब्लॉक में शौचालय की भी व्यवस्था की गई है दोस्तों। यहाँ पर कूलर भी लगाया गया है और पूरे टेंट में फैन भी लगाए गए हैं दोस्तों। और ये है टेंट नंबर 2, ब्लॉक 2, स्टार्टिंग में है, कूलर लगा हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर 2x2 बेड की व्यवस्था की गई है, नीचे भी लोग सो सकते हैं, ऊपर भी सो सकते हैं। ये व्यवस्था काफी अच्छी हमें लगी, पर जगह कम होने के बावजूद भी यहाँ पर हजारों लोगों के सोने की व्यवस्था की जाए, इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर 2x2 स्लीपिंग की व्यवस्था की गई है दोस्तों। और यहाँ पर हर ब्लॉक में चार्जिंग की भी व्यवस्था की गई है, आईना की भी व्यवस्था है। अभी हम यहाँ आए टूरिस्टों से बात करेंगे। कहाँ से आए हैं भाई साहब? हम तो रफीगंज से आए हुए हैं। अच्छा, ये जो बिहार सरकार की व्यवस्था है सोने की रहने की, कैसी व्यवस्था आपको लग रही है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा व्यवस्था है। संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। कहाँ से आए हैं? औरंगाबाद से आए हैं। औरंगाबाद से? तो यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है, क्या क्या व्यवस्था है? बहुत टेंट में बहुत सुरक्षित है, सब कुछ जो है कि जनता के लिए बहुत जो है सुरक्षित, जैसे कि सबका व्यवस्था बनाया गया है, सोने का, खाने का, पीने का जो भी है व्यवस्था। और फ्री में है? फ्री में है, कोई चार्ज नहीं? कोई चार्ज नहीं। अच्छा, आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। तो यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है टेंट सिटी, सरकार ने रहने की व्यवस्था भक्तों के लिए की है, पर्यटकों के लिए, बहुत ही शानदार है। और हर व्यक्ति यहाँ पर जो आया हुआ है पूरी तरह से संतुष्ट है। राजगीर मलमास मेला, और यहाँ पर सेल्फी भी आप ले सकते हैं, बड़ा सा शिवलिंग, स्वागत कक्ष, और यहीं रेलवे स्टेशन पर पुलिस सहायता केंद्र, यहाँ पर आपको सहायता मिलेगी, और पुलिस वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये आप देखिए मेला नियंत्रण कक्ष,
और दोस्तों मेरे पीछे आप देख रहे हैं मेला नियंत्रण कक्ष, जो यहाँ पर टीन सिटी बनाया गया है। वहाँ पर पहले आपको बेड बुक कराना होगा और यहीं से होता है। अभी हम यहाँ पर बात करेंगे कि कैसे बेड बुकिंग होती है। सर ये बताइए कि यहाँ पर जो रहने की व्यवस्था की गई है तो उसमें क्या कैसे आदमी रह सकता है? यहाँ ये है कि जो यात्री लोग आते हैं ट्रेन से या किसी भी तरह से यहाँ पे आते हैं, उनको यहाँ पे आने के बाद एक आईडी प्रूफ कुछ भी दिखाना पड़ता है, और उसके या नहीं है उनके पास तो ऊपर भी होगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद बेड नंबर अलॉट नहीं होता है, बेड खाली है, कहीं भी जाकर वो आराम कर सकते हैं। अच्छा, शुल्क क्या है? कोई भी शुल्क नहीं है, निःशुल्क है, सरकार की तरफ से ये व्यवस्था है। अच्छा, क्या क्या व्यवस्था है उसके अतिरिक्त? और यहाँ पे व्यवस्था चिकित्सा का है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो चिकित्सक यहाँ पे है, और शौचालय वगैरह सारा व्यवस्था यहाँ है, सब फ्री है, सारा फ्री है। और खाने की व्यवस्था? खाने की व्यवस्था फ्री नहीं है, पर सरकार की तरफ से एक सस्ती रोटी चल रही है, हाँ। जिसमें 25 या 30 रुपया लेती है। अच्छा, और भरपेट खाना खिलाती है जो भी है। पूरे राजगीर मलमास मेला में सरकार की तरफ से सस्ती रोटी की व्यवस्था की गई है, और उसका मूल्य निर्धारित किया गया है, उससे ज्यादा मूल्य नहीं ले सकते सस्ती रोटी वाले। ये जो सस्ती रोटी की व्यवस्था है वो क्या है, कितने जगहों पर है? ये अपने सरकारी संस्था से है, और सरकार ने अच्छी व्यवस्था की है। सस्ती रोटी जो 30 रुपए प्लेट दिया जा रहा है, चावल दाल सब्जी भुजिया अचार, हाँ। और 5 रोटी सब्जी भुजिया अचार दिया जा रहा है। श्रद्धालुओं के लिए मार्केट से सस्ता दिया जा रहा है। बिल्कुल गर्मा गर्म रोटी यहाँ पर आपको मिलेगा सस्ती रोटी में, अभी बन ही रहा है, और गर्मा गर्म चावल, गर्मा गर्म दाल और सब्जी, सारी व्यवस्था है। और कुछ लोग यह सस्ती रोटी का लुत्फ भी उठा रहे हैं। ये जो व्यवस्था है 30 रुपया में सस्ती रोटी का, उसको आप किस रूप में देखते हैं, अच्छा है या अच्छा नहीं है? बहुत अच्छा। और सस्ती रोटी के जस्ट सामने चिकित्सा कक्ष। चिकित्सा व्यवस्था में क्या क्या सुविधा दे हैं भक्तों को? टोटल व्यवस्था है, किसी भी तरह का कोई कमी नहीं है, A to Z सारी व्यवस्था अवेलेबल है। एम्बुलेंस की व्यवस्था? हाँ, एम्बुलेंस की व्यवस्था है, बाइक हो गया उसके लिए भी है, सारे व्यवस्था यहाँ। अच्छा, टोटली फ्री? हाँ, टोटल फ्री। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके मेंबर्स का। दोस्तों राजगीर मलमास मेला, यहाँ राजगीर रेलवे स्टेशन की व्यवस्था दिखाने के बाद अब हम आगे चलेंगे, मेला में चलेंगे और पूरा मेला घूम करके आपको दिखाएंगे। कौन न्यूज पे आगे का चलिए, भारत में अब जाएंगे, बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। दृश्य है राजगीर मलमास मेला, बहुत ही शानदार झूला। Yeah, yeah, yeah.
Ha!